तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले अगर सवाल को देखोगे बेसिकली, तो एक प्रोजेक्टाइल है टू सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप सबको पता है अगर एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होगा, तो रेंज जो होती है वो सेम होती है, ठीक ना। ये आपको कंडीशन पहले से पता होगा, ठीक ना। जैसे एक एंगल अगर अल्फा वन 30 है और दूसरी जो है 60 है, ठीक ना, तो रेंज सेम आता है, मतलब सेम जगह प्रोजेक्टाइल गिरेगा। टी वन टी टू टाइम ऑफ लाइट है दो केस में, तो अगर टी वन टी टू टाइम ऑफ लाइट है तो हमें बेसिकली टाइम का प्रोडक्ट आर के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पहले केस में टाइम ऑफ लाइट टू यू, सेम रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यू सेम है दोनों में, यू साइन थीटा ओवर जी, समझ रहे हो। तो दूसरे में टाइम ऑफ लाइट टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू यू साइन 90 माइनस थीटा ओवर जी। इसका मतलब ये हुआ कि टू यू कॉस थीटा और ये आ जाएगा जी। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ टी वन टी टू का, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में देख रहा है मल्टीप्लाई किया गया है, तो यह आ जाएगा टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ से जी। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या आता है। तो यहाँ से टू टाइम्स टू को कब्जे में ले लो और एक टू यहाँ से ऐसे आएगा, तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और ओवर जी, मतलब ये आ जाएगा टू आर रेंज ओवर जी। मतलब टी वन और टी टू का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है, टी वन और टी टू का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोपोर्शनल है वो आर के अपना प्रोपोर्शनल है, तो आर के प्रोपोर्शनल है ये वाली चीज़। और अगर टी वन टी टू को डिवाइड करते हो तो क्या टी वन टी टू को डिवाइड करने के बाद क्या एग्जैक्ट में कॉट थीटा आ जाता है क्या? अगर टी वन टी टू को मैं डिवाइड करता हूँ तो टी वन टी टू, टी वन अपॉन टी टू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से टी वन टी टू डिवाइड करेंगे तो टी वन साइन थीटा है और डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा, दैट इज यहाँ से टेन थीटा मैच कर जाता है, तो टी वन टी टू टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के टी वन टी टू अगर टेन थीटा है तो हमें लगता है इसमें दो ऑप्शन सही है बच्चों। ए टी वन टी टू फर्स्ट भी मैच करा प्रोपोर्शनलिटी के साइन से रेंज, ठीक है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा जी रेंज ही होता है, और टी वन टी टू अपन टेन थीटा, ए और सी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट बन रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सही कर लेना, दो दो इसमें सही हो गए, कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।